है धर्माज्ञा। हाँ दुष्यंत, अनम्यूट करो। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। सर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द इनफिनिट आर कॉल्ड। Those number are called a natural number which are starting from one and up to so on infinity. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to so on infinity. These numbers are called natural numbers. ऐसे नंबर जो कि वन से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक तो फंक्शन चल रहा था, हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि देखो, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारा सिलेबस है जो हमने कल डिस्कस किया था, ये हमारा सिलेबस है जो हमने कल डिस्कस किया था। इस सिलेबस में अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट डायग्राम, ट्रांजिटिविटी, एक्सटेंशन, क्लोजर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा पार्ट है कि इसको अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो यहाँ तक हमको एंड करना पड़ेगा, बूलियन अलजेब्रा एप्लीकेशन तक लास्ट में आता है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अभी स्टॉप किया है और मैंने सोचा कि भाई ये जो ऊपर वाली यूनिट बाकी चल रही है, इस यूनिट को पहले ओवर कर देते हैं, यूनिट फटाफट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने नंबर सिस्टम उठा लिया है। नंबर सिस्टम को अपन अभी फटाफट खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, ये भी हो जाएगा जल्दी। ठीक इसलिए हमने नंबर सिस्टम। तो ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और अर्थमेटिक मॉड्यूलो पॉजिटिव नंबर, इतना तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाली यूनिट ओवर हो जाएगी। और ये वाली यूनिट तो आपको पता ही है कि वो जो आप केमैप पढ़ रहे हो उसके बाद हम लोगों को जो कोड्स पढ़ने, ये कोड होते ही ये वाली यूनिट भी ओवर हो जाएगी। और उसके बाद प्रपोजिशन 7 पढ़ेंगे बीसी के, तो ये वाली यूनिट में जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसे ओवर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स की क्लास में पहले 2 क्लास में ये फर्स्ट यूनिट, फिर उसके बाद ये दोनों यूनिट चलती रहेगी, तो ये अपने आप हम लोग ओवर कर लेंगे टाइम के साथ। आते हैं हम लोग वापस से अपने नेचुरल नंबर सिस्टम पे। क्या नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो भाई अभी आपको बताया है नेचुरल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऐसे नंबर्स जो कि क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि वन से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। सभी को बात समझ में आ रही होगी। देखो तो यहाँ पर लिख सकते हो समझने के लिए, नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गो अप टू इन्फिनिटी, सो दीज दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहे हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन 0.2, 0.4 ऐसे डेसिमल नंबर्स जो हैं, अब क्योंकि ये वन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10.2, 10.4, क्योंकि ये वन से बड़े हैं, क्योंकि ये वन से बड़े हैं तो आने तो नेचुरल नंबर्स पे चाहिए, आने तो नेचुरल नंबर्स पे चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डेसिमल में लगे हुए हैं, ये डेसिमल है इसमें लगा हुआ, तो इसीलिए डेसिमल वाले नंबर नेचुरल नंबर सिस्टम में नहीं आते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने लिखा 1.6, तो 1.6 का मीनिंग क्या होता है? वन से बड़ा। और मैंने अभी यहां बोला नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, तो 1.6 तो वन और वन से बड़ा हो गया,
तो क्या 1.6 नेचुरल नंबर है? तो क्या 1.6 नेचुरल नंबर है? नहीं, 1.6 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं, 1.6 नेचुरल नंबर नहीं है। अरे बात समझ, 1.66 नेचुरल नंबर नहीं हो, नेचुरल नंबर डायरेक्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन वो नंबर होंगे, कोई डेसिमल वाले नेचुरल नंबर नहीं होते। यह बात यहां तक सारी बात क्लियर है क्या सभी को? ये बात क्लियर है क्या? यस और नो, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो खुद को। तो यस और नो का आंसर आएगा तो मेरे को समझ में आएगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। नेचुरल नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। तो सेकंड जो पार्ट है वो है बेटा इंटीजर्स। नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी एंड goes up to positive infinity and also included decimal numbers are called integers. वो सारे नंबर जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक जाते हैं और उसमें डेसिमल भी इंक्लूड होते हैं, उन सारे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स। उन सारे नंबर्स को बोलते हैं बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आइदर जेड से आइदर जेड से और आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेड और आई। बहुत जगह जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटीजर को भी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जेड और आई जो दोनों ही है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर है। और यहाँ देखते हैं तो ऐसे चलता आएगा माइनस से -1, 0, 1 और ऐसे चलेगा पॉजिटिव में। तो दिस टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे 0.4, 0.5, 1.7 आपसे पूछा जाए कि भाई ये नंबर जो है वो इंटीजर है या नहीं है, अरे मिस्टर अमित रावत बदतमीज निकाल दूंगा क्लास से, ध्यान रखना। और मैंने रिमूव किया तो दोबारा ऐड नहीं हो पाओगे। अब तो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये डेसिमल नंबर्स भी क्या है, ये डेसिमल नंबर्स भी क्या है, इंटीजर्स। डेसिमल नंबर्स भी क्या है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स होंगे। डेसिमल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन डेसिमल नंबर जो है वो इंटीजर जरूर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात बहुत काम की है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है कि 0.0007 बताओ क्या नंबर है, तो आपको बोलना है भैया ये इंटीजर है। आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं, वो नेचुरल नंबर सिस्टम में नहीं आता, ये नेचुरल नहीं है। आपको पूछ लेगा 1/7 एक पॉजिटिव नंबर है, आपको पूछ लेगा 2/3 पॉजिटिव नंबर। तो ये सारे इंटीजर नंबर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन अब ये एक दूसरा नंबर सिस्टम में काउंट होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है रेशनल। ये एक दूसरा नंबर सिस्टम में भी काउंट हो जाता है अपॉन के फॉर्मेट में, और वो अपॉन के जो फॉर्मेट में नंबर्स काउंट होते हैं उसको बोलते भाई रेशनल नंबर सिस्टम, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर सिस्टम। अब वो क्या होता है उसको समझो। हमारे पास आज की क्लास का जो थर्ड टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स।
number which are in the form of p by q, in the form of p by q, so the number is called rational and always q is not equals to zero and also q is greater than y p. इस बात को ध्यान रखें, जब आप छोटी क्लासेस में होते हो तो कभी भी टीचर इस बात को नहीं बताता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस इंक्रीज करते जाते हो, बड़ी क्लास में आते हो, आपको 11th 12th में आपने मैथ्स पढ़ी है, तो टीचर आपको ये बात बताता है और आपको इस बात को ध्यान में रखनी है. वो कौन सी बात है रैशनल नंबर में जो मैंने अभी लिखी है? देखो, रैशनल नंबर जो होते हैं बेटा, वो सारे नंबर जो p by q के फॉर्मेट में लिखे होते हैं, और ये जरूर लिखा होता है कि q is not equal to zero, so a number in the if a number in the form of p by q, the number is called a rational number for all the values of q is not equal to zero, कि q कभी भी zero नहीं होगा, और अगर कोई भी number one p upon q के फॉर्मेट में लिखा है तो उस नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे. लेकिन ऐसे सारे केसेस वाले नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, ये अब आपको समझने में आनी चाहिए बात. मैंने लिखा 1 by 2, तो 1 by 2 एक रैशनल नंबर है. मैंने लिखा 3 by 4, तो 3 by 4 एक रैशनल नंबर है. लेकिन मैंने लिखा 2 by 4, तो बेटा 2 by 4 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये समझना है आपको. जबकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि अपॉन में कुछ भी आ रहा है वो रैशनल नंबर है, लेकिन 2 by 4 एक रैशनल नंबर नहीं, 2 by 4 एक रैशनल नंबर नहीं. तो 2 by 4 एक रैशनल नंबर क्यों नहीं? क्योंकि अभी इसको एक कॉमन डिवीजर से डिवाइड दिया जा सकता है. अभी ये 2 by 4 और डिवाइड दिया जा सकता है, फर्दर डिवाइड दिया जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है. तो ये हो गया 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो इसको लिखेंगे 1 upon 2. तो 1 upon 2 is a rational number. 1 upon 2 is a rational number, लेकिन 2 by 4 is not a rational number, इस बात को ध्यान में रखें. ठीक है, दूसरी चीज एक रैशनल नंबर में ये भी होती है कि q is always greater than p. q is always greater than, मतलब मैंने लिखा 4 by 3, तो 4 by 3 is a rational number? नहीं, 4 by 3 is not a rational number, 4 by 3 is a decimal number. 4 by 3 को अपन rational number नहीं मानेंगे. वैसे बोलते हैं कि भाई 4 by 3 तो rational number है, क्योंकि वो p upon q के format में हो गया है. यहां तक clear है सभी को? बहुत सारी बुक में इस चीज को सही बताया गया, बहुत सारी बुक में इस चीज को गलत बताया गया, इस वाली चीज को जो मैं बता रहा हूँ. और ऐसी बात यहाँ पे की गई है एनसीईआरटी में. देखो, छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में तो 2 by 4 को भी रैशनल नंबर बताता है, लेकिन जब आप अच्छे लेवल पे आ जाओगे, 11th 12th में आ जाओगे, जेई पढ़ोगे या बीटेक में जाओगे, तो वहां पर 2 by 4 को रैशनल नंबर नहीं बताते. क्यों नहीं बताते? क्योंकि 2 by 4 रैशनल नंबर नहीं होता, 1 by 2 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसमें एक कॉमन डिविजर एक कॉमन डिवीजन होता है, इसलिए उसको रैशनल नंबर नहीं होता. तो अभी आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि वो सारे नंबर जो p by q के फॉर्मेट में लिखे हैं, वो सारे नंबर जो p by q के फॉर्मेट में लिखे हैं, वो क्या है? रैशनल नंबर है. लेकिन केस है कि जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका डिनोमिनेटर है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q जीरो नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, उनका कोई भी कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए, उनका कोई भी कॉमन डिविजर नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कौन से दोनों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक नंबर से डिवाइड जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. इस बात को बिल्कुल खास ध्यान दें. ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे. मेरे पास अरे बात समझ में. उसके बाद बेटा अपने पास आता है रैशनल नंबर के बाद रियल नंबर. रैशनल को सॉल्व करेंगे तो वो इंटीजर हो सकता है ना? नहीं, रैशनल नंबर तो धर्मज्ञ वैसे भी इंटीजर होते ही हैं. रैशनल नंबर तो इंटीजर नंबर होते ही बाय डिफॉल्ट, रैशनल इंटीजर होता ही होता है. और है मेरे पास रियल नंबर,
पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, मुझे कोई बताएगा रियल नंबर क्या होता है? कोई भी आप में से एक जो मेरे को रियल नंबर की डेफिनेशन बता सकता, आप सब खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो मुझे। मुझे रियल नंबर की डेफिनेशन बता सकता है कोई कि क्या होता है रियल नंबर, कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? सर जो रैशनल और इरेशनल दोनों को नंबर को कहते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। और कोई जो एक्सप्लेन कर सकता हो रियल नंबर की डेफिनेशन बता सकता हो? सर जिसमें शायद सारे आते हो, सारे कौन से? हाँ, मतलब माइनस से लेकर प्लस तक और रेशनल नंबर इंक्लूडेड। आपने बहुत हद तक तो सही आंसर दिया है, बहुत हद तक सही है, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है, बहुत हद तक सही है। और कोई? इतने जने मैथ्स के हो, बस यही आंसर आ रहा है क्या? सर पॉइंट वाले सारे इंक्लूड, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट डेसिमल रेशनल। पॉइंट वाले तो आते ही हैं, लेकिन और थोड़ा आंसर दो, मतलब थोड़ा नियर बाय हो, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर आना चाहिए ना वो। इसमें सब आता है सर, पाई पाई भी आता है इसमें, जितने भी है ना सब आते हैं। आता तो इसमें सब है, लेकिन जो आंसर एक्चुअल में आना चाहिए ना आपके एंड पे, वो नहीं आ रहा आपके, मतलब जो इसका करेक्ट माइनस आंसर, इनफिनिटी से इनफिनिटी के बीच में जो भी आता है, वो तो हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं। तो सर मतलब ओ, रेशनल भी आ जाएंगे ना हाँ तो रैशनल, साथ में। लेकिन रियल नंबर का जो एक्चुअल डेफिनेशन आनी चाहिए ना वो अभी तक नहीं समझ में आई है। रियल नंबर के एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है, वो आप लोग थोड़ा सा मिस कर लो, सोचो दिमाग में जोर डालो, मैथ्स के और भी बच्चे हैं भाई क्लास में। नॉट इंक्लूडिंग जीरो, नहीं जीरो तो इंक्लूड होता है रियल नंबर में, रियल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। और बताओ, इतने सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिनके पास मैथ्स नहीं, सर रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन तो सही है, लेकिन अभी भी मैं जो डेफिनेशन एक्चुअल इसकी जो डेफिनेशन है वो मिस है। आप सब सही बोल रहे हो, सबके आंसर सही है, गलत किसी का भी नहीं है अभी तक, लेकिन जो सर ऑल द है नंबर कंज्यूमिंग, सर ऑल द नंबर कंज्यूमिंग रैशनल इरेशनल इंटीजर्स पाई आर ऑल रियल नंबर्स। सही है, इसके आगे अब इससे आगे तो क्या बताऊं। सर डेफिनेशन अधूरी है, उसका मतलब समझो। एक मिनट सर, है अनम्यूट कर दो। यस सर। आज तो काफी सारा है स्टूडेंट, चलो अच्छी हाँ, बात नौ है। नौ स्टूडेंट है ना, आज वीडियो ऑफ आ रहा था अभी आपका। नौ वो मैं भूल गया इसका ऑन करना, सॉरी बात, इसलिए। 9 है ना, चलो ठीक है फिर। हाँ अभी आप ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। दस 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 पे, पे वो तो कर दस दूंगा। बीस पे है ना हाँ क्लास। दस दस पे करूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कर। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, तो बताओ भाई रियल नंबर की बात, रियल नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि रियल नंबर जो है वो क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है ना एक्चुअल डेफिनेशन, उस डेफिनेशन से आप थोड़ा सा दूर हो, मतलब अभी डेफिनेशन अधूरी आ रही है हाफ, मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं समझा हो, जबकि मैथ्स के इतने सारे स्टूडेंट हैं। सर डेसिमल, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन नंबर सारे नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं। हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन एक चीज मिस कर रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस आपके रियल नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप मिस कर रहे हो, तो समझो। है इमेजिनरी नंबर नहीं आते हैं सर इसमें। हाँ,
भाई जो इमेजिनरी नंबर है उनको निकाल दे तो जो बच्चे वो यही है और क्या। हाँ ये वाली बात आप सब मिस कर रहे हो। देखो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑल द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड रियल नंबर एक्सेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जितने भी नंबर है, अब चाहे वो रियल हो नॉट रियल, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का नंबर हो, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, दुनिया का कैसा भी नंबर हो, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में एक नंबर इकलौता ऐसा है जो कि रियल नहीं होता है। पूरी दुनिया में एक नंबर ऐसा है जो रियल नहीं होता, और वो नंबर है स्क्वायर रूट में माइनस वन। बस इसको अगर छोड़ दो तो बाकी सारे। अब आपका सवाल आएगा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन रियल नंबर नहीं है तो फिर क्या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू एक रियल नंबर है? है ना, अंडर रूट में माइनस वन अगर एक रियल नंबर नहीं है तो अंडर रूट में माइनस टू नंबर क्या है, क्या वो रियल है? ये मैंने बोला है पूरे ब्रह्मांड में एक ही इकलौता ऐसा नंबर है जो रियल नहीं है, और वो नंबर है अंडर रूट में माइनस वन। तो आपका सवाल आएगा क्या अंडर रूट में माइनस टू रियल नंबर होता है? नहीं सर। सुनो, नहीं, अंडर रूट में माइनस वन कोई रियल नंबर नहीं होता। एक्चुअल में अंडर रूट में माइनस ये टू जो होता है ये कोई नंबर ही नहीं, ये कोई नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंडर रूट में माइनस टू को ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट में माइनस वन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में टू, ऐसा लिखा जा सकता है। और ये अंडर रूट में माइनस वन जो है ये इमेजिनरी नंबर आ गया वापस, जो कि रियल नहीं है, और अंडर रूट टू एक रियल नंबर है, अंडर रूट टू एक रियल नंबर है। तो अंडर रूट में माइनस टू जो है वो कोई नंबर नहीं, वो इमेजिनरी और रियल का कॉम्बिनेशन है, वो अलग से तो कोई नंबर है ही नहीं। अंडर रूट में माइनस टू जो है वो अलग से तो कोई नंबर है ही नहीं, अंडर रूट में माइनस टू अलग से कोई नंबर नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी और रियल, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी और रियल, कॉम्बिनेशन है इमेजिनरी और रियल, तो कॉम्बिनेशन है। तो हमने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इसको नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक अलग से दो नंबर को मिला के नया नंबर बनाया गया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? दो नंबर्स को मर्ज करके एक नया नंबर बनाया गया, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर, ये कोई भी दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि दो अलग अलग नंबर्स को मिला के बनाया हुआ एक नया नंबर है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। इस पूरी दुनिया में स्क्वायर रूट में माइनस वन, जिसको आप आयोटा बोलते हैं, आयोटा जिसे, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर, इसको छोड़ दो तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो कैसे भी हो, वो सारे नंबर रियल है। वो सारे नंबर्स क्या है? रियल। हरी बात समझ में? या फिर ऐसे भी आप किसी को अगर समझाओ, सबसे इजी बात समझ, जैसे सिक्स्थ क्लास का बच्चा है, सेवन्थ क्लास का बच्चा है, एट्थ क्लास का बच्चा है, वो आके आपसे पूछे भैया बताओ कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप उसको क्या डेफिनेशन दोगे रियल नंबर की? उसको आयोटा समझाने बैठोगे तो सिर पकड़ लेगा, उसको समझ में नहीं आएगा आयोटा क्या होता है। उसको अगर आपको रियल नंबर समझाना तो कैसे समझाओगे? तो आप उसको बहुत सीधी भाषा में एक एक चीज बोलोगे कि बेटा वो सारे नंबर जिसको नंबर लाइन पे सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज आ रही? अब आ रही है, आवाज तो आ रही है आराम। वो सारे नंबर जिनको कि नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, वो सारे नंबर जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है, वो नंबर्स रियल नंबर है। जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते वो रियल नंबर नहीं है। तो स्क्वायर रूट में माइनस वन को कभी भी आप नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, इसीलिए वो रियल नंबर नहीं, और बाकी तो सारे इमेजिनरी नंबर है। अरे बात समझ में? तो बताओ अभी जो हमने पढ़ा है इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो पहले। आज हमने जो पढ़ा है चार नंबर्स पढ़ लिए हैं, इमेजिनरी, रियल, इमेजिनरी तो कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर सिस्टम,
हमने पढ़ा है रेशनल नंबर सिस्टम, हमने पढ़ लिया है इरेशनल आपको बता दिया है ना, रियल हमने पढ़ा है, तो इंटीजर हमने देखा है। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो, किसी को डाउट है क्या इसमें तो पूछ लो पहले। नो सर, नहीं है डाउट। रियल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं धर्मांक के, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर मीन रियल नंबर, कैपिटल आर। और रेशनल को सर है रेशनल नंबर, हो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं ना सर, वो 4/3 को रेशनल नंबर क्यों नहीं मानते सर? नहीं अरे 4/3 को एक्चुअल में रेशनल नंबर मानते हैं, लेकिन बहुत सारी बुक में 4/3 को रेशनल बोला गया और बहुत सारी बुक में 4/3 को रेशनल नहीं बोला गया है। वो जो अलग अब नई जियो में ये बोलते हैं कि क्यू जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पी से, तो वो रेशनल नंबर है। अगर क्यू ग्रेटर नहीं है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। और बहुत सारी बुक थ्योरीज बोलती है कि पी बाय क्यू इज अ रेशनल नंबर, ओनली क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और P और Q में दोनों में कॉमन डिवीजन नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बुक्स मैंने देखी उसमें ये लिखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी वैसे तो 4/3 एक रेशनल नंबर होता है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा और यही पढ़ाते आए हैं। चलिए गाइस, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं है तो